आज़ादी के 77 साल मुकम्मल होने पर हम मुबारकबाद पेश करते हैं PMSO को कि जिन्होंने ये खूबसूरत मुशायरा बाउनवान फ़िक्र जवान मक्सी हाउस में सजाया है। आप सबको मैं APMSO की पूरी टीम और मुशायरे के ऑर्गेनाइज़र जनाब हम्माद रिजवान साहब की तरफ से खुशामदीद पेश करता हूँ। मुशायरे के बाकायदा आगाज़ के लिए मैं गुजारिश करूँगा तिलावत कलाम पाक के लिए जनाब कारी हसन खलीक साहब से कि आप आएँ और मुशायरे का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम मजीद फुरकान हमीद से फरमाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك جزاء من ربك عطاء حسابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا
ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار, اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار, اے کار ساز تہر و خداوند بہرو پر, مجھ کو بھی گرہ شام و سحر کھولنا سکھا, پلکوں پہ اپنی میں بھی ستارے سجا سکوں, تو رب نطق و لب ہے مجھے بولنا سکھا. اس کی تعریف جو ہر آنکھ کو نم دیتا ہے, لفظ کو وزن تکلم کو بھرم دیتا ہے, اس کی تعریف جو ہر آنکھ کو نم دیتا ہے, لفظ کو وزن تکلم کو بھرم دیتا ہے, اپنی مخلوق کے ہاتھوں میں قلم دیتا ہے, جس کو دل کہتے ہیں وہ ساغر جم دیتا ہے, اور وہ ارادہ جو کسی بات کا فرماتا ہے, وہ ارادہ جو کسی بات کا فرماتا ہے, بس یہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے, بس یہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے, خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. آئیے مل کر سرکار کی بارگاہ میں ایک دفعہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. صلی اللہ علیہ محمد وعلیٰ آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک اللہ. محسن نقوی صاحب کا ایک بہت ہی خوبصورت کلام, اس سے سرکار کی مدح سرائی کرتے ہیں. آپ لکھتے ہیں کہ گھٹا گئے
मदीने की फजा है, ये दिल का नगर है के मदीने की फजा है। अब और बयां क्या वो किसी से किसी से तेरी मिदगर, ये क्यों तो नहीं है कि तुम वो बेखुदा है, ये क्यों तो नहीं है कि तुम वो और गुंबद खजरा 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 ए गुंबद खजरा के मक्की में मदद कर, या फिर ये बता कौन मेरा तेरे सिवा है, या फिर ये बता कौन मेरा तेरे सिवा है। कि बख्शिश तेरे अब रो की तरफ दे के रगी बख्शिश तेरे अब रो की तरफ देख रही है। और मोहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है, मोहसिन चुपचाप खड़ा है। कहीं बख्शिश की घटा है, और बयां क्या करे कोई तेरी मिदहत, ये कम तो नहीं है कि तू महबूब खुदा है, लेकिन जमजमो कौसर तस्नीम
नहीं लिख सकता, जमजमो कौसर व तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताजीम नहीं लिख सकता, जमजमो कौसर व तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताजीम नहीं लिख सकता। मैं अगर सात समंदर भी निचोड़ू राहत, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। सनाए ख्वाजा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम सालाना कुल सैन मुकाबला नात और मुकाबला तकरीर, इन मुकाबलों में शिरकत के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। ऑडिशंस के लिए जेंट्स टीवी के ऑफिस तशरीफ लाएं। बादस तिलावत कलाम मजीद व नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आज के मुशायरे के ऑर्गेनाइज़र जनाब हम्माद रिजवान साहब से गुजारिश करूँगा कि आप आएँ और इस मुशायरे का खुतबा इस्तकबालिया पेश फरमाएं। जनाब हम्माद रिजवान साहब के लिए बहुत सारी तालियां। अल्हम्दुलिल्लाह व कफा व सलामु अला इबादिही अल्लज़ीन इस्तफा, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौज़िज़ और बाज़ौक़ सामईन कराम, तस्लीमात। आज की ये खूबसूरत तकरीब जिसे ऑल पाकिस्तान मुत्तहदा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद सेक्टर ने शहर हैदराबाद की अदबी फ़िज़ा को और ज़्यादा पुरकैफ बनाने के लिए सजाया है, इस बात कमू बोलता सबूत है कि APMSO ना सिर्फ नौजवानों में सियासी शऊर की बेदारी की ख्वाह है बल्कि अदबी करीने अपने हर साथी में देखने की ख्वाहिशमंद भी है। मैं बहैसियत सेक्टर इंचार्ज ऑल पाकिस्तान मुत्तहदा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद सेक्टर अपने तमाम मेहमानों का खुसूसन शौरा कराम को खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी इस काविश पर ना सिर्फ हमें सराहेंगे बल्कि हमारे शाना बशाना हैदराबाद की अदबी वक़ार बढ़ाने में हमारा साथ देंगे। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब हम्माद रिजवान साहब जो खुतबा इस्तकबालिया पेश कर रहे थे, और अब मैं तमामी शौरा से गुजारिश करूँगा। सबसे पहले मैं आज के मुशायरे के सदर और उनके साथ ही तमाम शौरा के साथ ही मैं अराकीन सेक्टर कमेटी से भी गुजारिश करूंगा, APMSO के अराकीन सेक्टर कमेटी से, कि आप लोग आएँ और तमामी शौरा को अजरक का सिंध का रिवायती तोहफा अजरक पेश फरमाएं। मुशायरे का बाकायदा आगाज़ करते हैं, उससे पहले मुनव्वर राना साहब की ये गज़ल के चंद अशआर समाअत करें। आप कहते हैं कि मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं, मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं, और कहानी का ये हिस्सा आज तक सबसे छुपाया है, कहानी का ये हिस्सा आज तक सबसे छुपाया है कि हम मिट्टी के खातिर अपना सोना छोड़ आए हैं, कि हम मिट्टी के खातिर अपना सोना छोड़ आए हैं।
ये दो कमरों का घर और ये सुलगती जिंदगी अपनी, ये दो कमरों का घर और ये सुलगती जिंदगी अपनी, वहां इतना बड़ा नौकर का कमरा छोड़ आए हैं, वहां इतना बड़ा नौकर का कमरा छोड़ आए हैं, और हमें मरने से पहले सबको ये ताकीद करना है, हमें मरने से पहले सबको ये ताकीद करना है, किसी को मत बता देना कि क्या क्या छोड़ आए हैं, किसी को मत बता देना कि क्या क्या छोड़ आए हैं। महाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। तो मुशायरे का बाकायदा, मुशायरे के बाकायदा आगाज के लिए मैं जनाब सदर से इजाज़त तलब करता हूँ। और पहले शायर हमारे हैदराबाद के खूबसूरत नौजवान शायर जनाब खुर्रम जमाल से गुजारिश करूँगा कि आप आए और अपना कलाम नजर सामईन फरमाएं। तालियों के साथ इस्तकबाल करें भाई। जनाब सदर की इजाज़त से पहले चंद अशार। गुलशन उजाड़ कर जिन्हें तौकीर हो नसीब, गुलशन उजाड़ कर जिन्हें तौकीर हो नसीब, ऐसे तो बागबां को जला देना चाहिए। गुलशन उजाड़ कर जिन्हें तौकीर हो नसीब, ऐसे तो बागबां को जला देना चाहिए। दीवार जिसके होने से खतरे में हो मकी, दीवार जिसके होने से खतरे में हो मकी, दीवार को तो ऐसी गिरा देना चाहिए। दीवार जिनके होने से खतरे में हो मकी, दीवार को तो ऐसी गिरा देना चाहिए। वो याद जिसके होने से बर्बाद हो ये जिस्त, वो याद जिसके होने से बर्बाद हो ये जिस्त, हर याद को तो ऐसी भुला देना चाहिए, हर याद को तो ऐसी भुला देना चाहिए। गुलशन उजाड़ कर जिन्हें तौकीर हो नसीब, ऐसे तो बागबां को जला देना चाहिए। और अब बदलते चंद हजार मतलब पेशे खिदमत है कि सब जाते जाते मंजिलों से लौटने लगे, सब जाते जाते मंजिलों से लौटने लगे, लोग अपने आप ख्वाहिशों को छोड़ने लगे, सब जाते जाते मंजिलों से लौटने लगे, लोग अपने आप ख्वाहिशों को छोड़ने लगे, कैसे लड़ेंगे लोग भला आबरू पे अब, कैसे लड़ेंगे लोग भला आबरू पे अब, दस्तार अपने आप सभी खोलने लगे, कैसे लड़ेंगे लोग भला आबरू पे अब, दस्तार अपने आप सभी खोलने लगे, जब से पता चला है कि हक बात पर हैं हम, जब से पता चला है कि हक बात पर हैं हम, सब लोग अपनी बातें खुद ही तोलने लगे, सब लोग अपनी बातें खुद ही तोलने लगे, जब से पता चला है कि हक बात पर हैं हम, सब लोग अपनी बातें खुद ही तोलने लगे, कैसे मिलेगा अब यहाँ इंसाफ भी तुम्हें, कैसे मिलेगा अब यहाँ इंसाफ भी तुम्हें, मरते हैं लोग जब भी कोई बोलने लगे, कैसे मिलेगा अब यहाँ इंसाफ भी तुम्हें, मरते हैं लोग जब भी कोई बोलने लगे, कैसे मिलेगा अब यहाँ इंसाफ भी तुम्हें, मरते हैं लोग जब भी कोई बोलने लगे, कानून जो उन्हें लगा उनके खिलाफ है, कानून जो उन्हें लगा उनके खिलाफ है, वो लोग रफ्ता रफ्ता उसे तोड़ने लगे, कानून जो उन्हें लगा उनके खिलाफ है, वो लोग रफ्ता रफ्ता उसे तोड़ने लगे, अंधे हुए लोग तो दौलत में इस कदर, अंधे हुए लोग तो दौलत में इस कदर, देखे बगैर रास्तों को दौड़ने लगे, अंधे हुए लोग तो दौलत में इस कदर, देखे बगैर रास्तों को दौड़ने लगे। खुर्रम बताऊं कैसे तुम्हें उनके दिल का गम, खुर्रम बताऊं कैसे तुम्हें उनके दिल का गम, जो लोग काफिलों से अलग लौटने लगे, खुर्रम बताऊं कैसे तुम्हें उनके दिल का गम, जो लोग काफिलों से अलग लौटने लगे, कैसे लड़ेंगे लोग भला आबरू पे अब, दस्तार अपने आप सभी खोलने लगे। बात ऐसी जैसा कलाम।
पहले शायर से ही मुशायरे का जो रंग है इंशाल्लाह अब ये बढ़ता ही रहेगा जब तक मुशायरा सदर साहब तक पहुंचेगा। शायरी के इंतखाब पर मुश्तमिल प्रोग्राम वकारे सुखन देखिए हर जुमेरात की रात 9 बजे सिर्फ जेम्स टीवी पर। तो अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे अगले शायर एहसन बुखारी साहब से कि आप आएं और आपका ये शेर आपके तारुफ के लिए काफी है कि एक जमाना मेरा मुखालिफ है, एक जमाना मेरा मुखालिफ है, मेरे बारे में कुछ सुना है क्या। जनाब एहसन बुखारी, क्या बात, जनाब सदर से इरशाद अता फरमाइए। तुमने मुझको भुला दिया है क्या, तुमने मुझको भुला दिया है क्या, मुझसे दामन छुड़ा लिया है क्या, तुमने मुझको भुला दिया है क्या, मुझसे दामन छुड़ा लिया है क्या, तुमने नजरों को मुझसे फेर लिया, तुमने नजरों को मुझसे फेर लिया, ये मेरे प्यार की सजा है क्या, तुमने नजरों को मुझसे फेर लिया, ये मेरे प्यार की सजा है क्या, जिस तरह आप मुझसे रूठे हैं, जिस तरह आप मुझसे रूठे हो, कोई ऐसे भी रूठता है क्या, जिस तरह आप मुझसे रूठे हो, कोई ऐसे भी रूठता है क्या, अब तो मिलने भी तुम नहीं आते, अब तो मिलने भी तुम नहीं आते, तुमको मुझसे कोई गिला है क्या, अब तो मिलने भी तुम नहीं आते, तुमको मुझसे कोई गिला है क्या, एक जमाना मेरा मुखालिफ है, एक जमाना मेरा मुखालिफ है, मेरे बारे में कुछ सुना है क्या, एक जमाना मेरा मुखालिफ है, मेरे बारे में कुछ सुना है क्या, मैं तुम्हें याद भी नहीं आता, मैं तुम्हें याद भी नहीं आता, बस यही आपकी वफा है क्या, मैं तुम्हें याद भी नहीं आता, बस यही आपकी वफा है क्या, दिल जिसे तुमने दे दिया एहसन, दिल जिसे तुमने दे दिया एहसन वो किसी और पर फिदा है क्या, दिल जिसे तुमने दे दिया एहसन, दिल जिसे तुमने दे दिया एहसन वो किसी और पर फिदा है क्या, तुमने मुझको भुला दिया है क्या, मुझसे दामन छुड़ा लिया है क्या। एक गजल और है, दर्दे दिल अच्छा लगा, दर्दे दिल अच्छा लगा, दर्दे जिगर अच्छा लगा, दर्दे दिल अच्छा लगा, दर्दे जिगर अच्छा लगा, फिर मुझे अपनी दुआओं का असर अच्छा लगा, दर्दे दिल अच्छा लगा, दर्दे जिगर अच्छा लगा, फिर मुझे अपनी दुआओं का असर अच्छा लगा, एक तो मेरी नजर में कोई जचता ही नहीं, एक तो मेरी नजर में कोई जचता ही नहीं, जो मुझे अच्छा लगा फिर उम्र भर अच्छा, एक तो मेरी नजर में कोई जचता ही नहीं, जो मुझे अच्छा लगा फिर उम्र भर अच्छा लगा, अक्स जब उसका मेरे दिल में उतर आया तो फिर, अक्स जब उसका मेरे दिल में उतर आया तो फिर, दिल रुबा अच्छा लगा, दिल का नगर अच्छा लगा, अक्स जब उसका मेरे दिल में उतर आया तो फिर, दिल रुबा अच्छा लगा, दिल का नगर अच्छा लगा, बावफा था बेवफा था जो भी था जैसा भी था, बावफा था बेवफा था जो भी था जैसा भी था, तज़किरा बेकार था मुझको मगर अच्छा लगा, बावफा था बेवफा था जो भी था जैसा भी था, तज़किरा बेकार था मुझको मगर अच्छा लगा, उसने जिस दम अपने सर को मेरे कांधे पर रखा, उसने जिस दम अपने सर को मेरे कांधे पर रखा, फिर तो मुझको अपने सर से उसका सर अच्छा लगा, उसने जिस दम अपने सर को मेरे कांधे पर रखा, फिर तो मुझको अपने सर से उसका सर अच्छा लगा, यूं तो सारी जिंदगी ही मैं सफर करता रहा, बहुत शुक्रिया, यूं तो सारी जिंदगी ही मैं सफर करता रहा, पर जो उसके साथ गुजरा वो सफर अच्छा लगा, ये सफर इंग्लिश वाला है? नहीं, यूं तो सारी जिंदगी ही मैं सफर करता रहा, पर जो उसके साथ गुजरा वो सफर अच्छा लगा, उसका घर एक झोपड़ी था,
उसका घर एक झोपड़ी था, मेरा घर था एक महल, फिर भी मुझको अपने घर से उसका घर अच्छा लगा। उसका घर एक झोपड़ी था, मेरा घर था एक महल, फिर भी मुझको अपने घर से उसका घर अच्छा लगा। दो परिंदे प्यार से बैठे थे उसकी डाल पर, दो परिंदे प्यार से बैठे थे उसकी डाल पर, इस वजह से मुझको एहसन वो शजर अच्छा लगा। इस वजह से मुझको एहसन वो शजर अच्छा लगा। प्यार की बातें किया करते थे जिसकी छाँव में, प्यार की बातें किया करते थे जिसकी छाँव में, प्यार से देखा तो एहसन वो शजर अच्छा लगा। दर्दे दिल अच्छा लगा, दर्दे जिगर अच्छा लगा, फिर मुझे अपनी दुआओं का असर अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, क्या कमाल का कलाम सुनने को मिल रहा है, और क्या कमाल अंदाज से आप लोग सुन रहे हैं। एक दफा अपने लिए भी तालियां बजा दे बाबा जब बोले। ये थे एहसन बुखारी जो अपना खूबसूरत कलाम नजर सामईन फरमा रहे थे। अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे अगले शायर, शहर हैदराबाद के एक और खूबसूरत शायर मेरा भाई अकबर जलाल से, कि आप आए और अपना कलाम नजर सामईन फरमाए। आपका ये शेर आपके तारुफ में पेश करना चाहूंगा कि तुमको लिखना हो अगर नाम तो दिल पर लिखना, तुमको लिखना हो अगर नाम तो दिल पर लिखना, ताकि लिखे लिख कर ना मेरा नाम मिटाया जाए, ताकि लिख कर ना मेरा नाम मिटाया जाए। अकबर जलाल सदर साहब की इजाजत से एक गजल के चंद अशआर मतलब पेश खिदमत है। नहीं मिलते मेरे आजार किसी और के साथ, नहीं मिलते मेरे आजार किसी और के साथ, मैंने देखे मेरे यार किसी और के साथ। नहीं मिलते मेरे आजार किसी और के साथ, नहीं मिलते मेरे आजार किसी और के साथ, मैंने देखे मेरे यार किसी और के साथ। भाई वाह 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 वाह। और मैंने दिन रात वफाओं का जिसे दर्स दिया, मैंने दिन रात वफाओं का जिसे दर्स दिया, वो हुआ भी तो वफादार किसी और के साथ। भाई क्या शेर। मैंने दिन रात वफाओं का जिसे दर्स दिया, वो हुआ भी तो वफादार किसी और के साथ। खुद पसंदी की असीरी से निकालो भी से, खुद पसंदी की असीरी से निकालो भी से, दिल को करते हैं गिरफ्तार किसी और के साथ। तो खुद पसंदी की असीरी से निकालो भी से, दिल को करते हैं गिरफ्तार किसी और के साथ। और ये सब शायरों की नजर के यार उस कौम का अंजाम तबाही है फकत, यार उस कौम का अंजाम तबाही है फकत, जिसके हो जाए कलमकार किसी और के साथ। उसका यार उस कौम का अंजाम तबाही है फकत, जिसके हो जाए कलमकार किसी और के साथ। और ये मेरा दिल कोई जागीर नहीं है कि जलाल, ये मेरा दिल कोई जागीर नहीं है कि जलाल, इसकी तकसीम हो हर बार किसी और के साथ। ये मेरा दिल कोई जागीर नहीं है कि जलाल, इसकी तकसीम हो हर बार किसी और के साथ। यार उस कौम का अंजाम तबाही है फकत, जिसके हो जाए कलमकार किसी और के साथ। एक और गजल के गर्दन में तौक पाँव में जंजीर क्या हुआ, गर्दन में तौक पाँव में जंजीर क्या हुआ, ऐसा भी तेरे हाथ से तहरीर क्या हुआ। गर्दन में तौक पाँव में जंजीर क्या हुआ, ऐसा भी तेरे हाथ से तहरीर क्या हुआ। गर्दन में तौक पाँव में जंजीर क्या हुआ, ऐसा भी तेरे हाथ से तहरीर क्या हुआ। ता उम्र हक कहूंगा बेखौफो कतर यूं ही, ता उम्र हक कहूंगा बेखौफो कतर यूं ही, जाती है जाए जीत की जागीर क्या हुआ। ता उम्र हक कहूंगा बेखौफो कतर यूं ही, जाती है जाए जीत की जागीर क्या हुआ। वो इश्क दिल के राबते इस दौर में कहां,
वो इश्क दिल के रابطے इस दौर में कहां, रांझा भी पूछता है कि अब हीर क्या हुआ। वो इश्क दिल के रابطے इस दौर में कहां, रांझा भी पूछता है कि अब हीर क्या हुआ। और ख्वाबे हयात कुल का ना नक्शा दिखाओ तुम, ख्वाबे हयात कुल का ना नक्शा दिखाओ तुम, तामीर खुद बताएगी तामीर क्या हुआ। ख्वाबे हयात कुल का, ख्वाबे हयात कुल का ना नक्शा दिखाओ तुम, ख्वाबे हयात कुल का ना नक्शा दिखाओ तुम, तामीर खुद बताएगी तामीर क्या हुआ। जिसका तमाम शहर है, जिसका तमाम शहर है मेरा असीर है, जिसका तमाम शहर है मेरा असीर है, अब और क्या बताऊं मैं तफसीर क्या हुआ। जिसका तमाम शहर है मेरा असीर है, अब और क्या बताऊं मैं तफसीर क्या हुआ। और सोबत से इल्म आता है यारो हुनर नहीं, सोबत से इल्म आता है यारो हुनर नहीं, सोबत से इल्म आता है यारो हुनर नहीं, पढ़ते तो लोग आज भी अमीर क्या हुआ। सोबत से इल्म आता है यारो हुनर नहीं, सोबत से इल्म आता है यारो हुनर नहीं, पढ़ते तो लोग आज भी अमीर क्या हुआ। और मख्तार देगे अकबर कोई भी गैर मुकाबिल नहीं है जब, अकबर कोई भी गैर मुकाबिल नहीं है जब, रख कर ये तीर और ये शमशीर क्या हुआ। अकबर कोई भी गैर मुकाबिल नहीं है जब, रख कर ये तीर और ये शमशीर क्या हुआ। सोबत से इल्म आता है यारो हुनर नहीं, सोबत से इल्म आता है यारो हुनर नहीं, पढ़ते तो लोग आज भी अमीर क्या हुआ। ख्वाबे हयात कुल का ना नक्शा दिखाओ तुम, ख्वाबे हयात कुल का ना नक्शा दिखाओ तुम, तामीर खुद बताएगी तामीर क्या हुआ, तामीर खुद बताएगी तामीर क्या हुआ। बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियां, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या ही माहौल आपने बनाया मुशायरे का, भाई जीते रहिए। इफ यू हैव एनी टैलेंट, join program My Kaun Hai with Masooma Zehra every Friday night at 9 PM only on Gems TV. दोस्तों देखिए ये है हमारा हैदराबाद और ये है हमारे शायर, क्या बात, शायरों के लिए तालियां बजाएं एक दफा। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। अब मैं गुजारिश करूंगा टंडो मोहम्मद खान से तशरीफ लाए हमारे शायर जनाब वलीसा गौरी से कि आप आए और अपना कलाम नजर सामाइन फरमाएं। और इन अशार के साथ, ये बड़े हसास हैं तो हसास हसास अशार लिखते हैं और इनका शेर है कि हसास दिल है आपका जिस तरह वलीसा, हसास दिल है आपका जिस तरह वलीसा, फूलों में भी ये नाज की हमको दिखी नहीं, फूलों में भी ये नाज की हमको दिखी नहीं। जनाब वलीसा गौरी साहिब सदर की इजाज़त से मतलब पेशे खिदमत के अपने दिल का मुझे अहवाल बताते जाओ, अपने दिल का मुझे अहवाल बताते जाओ, जाते जाते कोई दुखड़ा तो सुनाते जाओ, अपने दिल का मुझे अहवाल बताते जाओ, जाते जाते, 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 जाते कोई दुखड़ा तो सुनाते जाओ। शेर देखें के कातिलों कत्ल के बाद इतना तो एहसान करो, कातिलों कत्ल के बाद इतना तो एहसान करो, मेरे लाशे को ठिकाने तो लगाते जाओ, कातिलों कत्ल के बाद इतना तो एहसान करो, मेरे लाशे को ठिकाने तो लगाते जाओ। मुंदमिल होने लगे हैं ये मेरे जख्म तमाम, मुंदमिल होने लगे हैं ये मेरे जख्म तमाम, एक नया जख्म मेरे दिल पे लगाते जाओ, मुंदमिल होने लगे हैं ये मेरे जख्म तमाम, एक नया जख्म मेरे दिल पे लगाते जाओ, ताके उम्मीद कोई बांध सकूं मैं तुमसे, ताके उम्मीद कोई बांध सकूं मैं तुमसे, लौट आने का यकीन मुझको दिलाते जाओ, ताके उम्मीद कोई बांध सकूं मैं तुमसे,
लौट आने का यकीन मुझको दिलाते जाओ। शेर देखें कि गोरे आशिक पे, गोरे आशिक पे अगर आ ही गए हो तो आज, गोरे आशिक पे अगर आ ही गए हो तो आज, चार छः अश्क नदामत के बहाते जाओ। गोरे आशिक पे अगर आ ही गए हो तो आज, चार छः अश्क नदामत के बहाते जाओ। चिट्ठियों और मेरी तहरीर के पुर्जे करके, चिट्ठियों और मेरी तहरीर के पुर्जे करके, मेरे जज्बात हवाओं में उड़ाते जाओ, मेरे जज्बात हवाओं में उड़ाते जाओ। शेर देखेंगे, उम्र भर रंजो अलम से ये तड़पता ही रहे, उम्र भर रंजो अलम से ये तड़पता ही रहे, दिल को वो सदमा जुदाई का लगाते जाओ। मकता है कि तुम जो तारीफ वली की नहीं कर सकते तो, तुम जो तारीफ वली की नहीं कर सकते तो, उसके किरदार पर तोहमत ही लगाते जाओ, उसके किरदार पर तोहमत ही लगाते जाओ। हो शुक्रिया। एक गजल के चना शार, मतलब है कि क्या बताऊं बेवफाई तुमको अपने यार की, क्या बताऊं बेवफाई तुमको अपने यार की, जिसने मेरे प्यार की बेहुर्मती हर बार की, क्या बताऊं बेवफाई तुमको अपने यार की, जिसने मेरे प्यार की बेहुर्मती हर बार की। शेर देखें कि कल तलक रहते थे मेरे साथ जो बनकर रफीक, कल तलक रहते थे मेरे साथ जो बनकर रफीक, आज उन लोगों ने मेरी जात पर यलगार की। कल तलक रहते थे, कल तलक रहते थे मेरे साथ जो बनकर रफीक, आज उन लोगों ने मेरी जात पर यलगार की। शेरे के उसकी यादों ने, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, कल तलक रहते थे, कल तलक रहते थे मेरे साथ जो बनकर रफीक, भाई क्या सच्चा शेर है भाई, वाह वाह वाह, कल तलक रहते थे मेरे साथ जो बनकर रफीक, आज उन लोगों ने मेरी जात पर यलगार की। उसकी यादों ने, उसकी यादों ने मेरे दिल का चमन महका दिया, उसकी यादों ने मेरे दिल का चमन महका दिया, आज वीराने में सूरत बन गई गुलजार की, आज वीराने में सूरत बन गई गुलजार की, इंतजारे यार तो बस मौत के है हू बहू, इंतजारे यार तो बस मौत के है हू बहू, कोई तो उम्मीद बरी आए वसले यार की। शेर के बेताल्लुक जब तलक था मैं बड़ा ही शाद था, बेताल्लुक जब तलक था मैं बड़ा ही शाद था, आपकी चाहत ने मेरी जिंदगी बेकार की। बेताल्लुक जब तलक था मैं बड़ा ही शाद था, आपकी चाहत ने मेरी जिंदगी बेकार की। घुट रही है सांस, घुट रही है सांस, तालिब भी हुआ बेजान है, घुट रही है सांस, तालिब भी हुआ बेजान है, काबले दीदाज है हालत तेरे बीमार की। शेर देखेंगे, सादगी में भी कयामत दिल पे ढा देते हो तुम, सादगी में भी कयामत दिल पे ढा देते हो तुम, क्या जरूरत पड़ गई आखिर तुम्हें सिंगार की। सादगी में भी कयामत दिल पे ढा देते हो तुम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, सादगी में भी कयामत दिल पे ढा देते हो तुम, क्या जरूरत पड़ गई आखिर तुम्हें सिंगार की। मकता है कि वलयसा उस शौक के जानों पे हम सर रख के आज, वलयसा उस शौक के जानों पे हम सर रख के आज, छांव चेहरे पर किए बैठे हैं जुल्फे यार की। वलयसा उस शौक के जानों पे हम सर रख के आज, छांव चेहरे पर किए बैठे हैं जुल्फे यार की, जिसने मेरे प्यार की बेहुर्मती हर बार। जोरदार तालियां बजाएं वली ऐसा के लिए। भाई कितने रिलेटेड शेर पढ़ रहे थे वो, अगली सबसे किस कदर रिलेटेड थे भाई, भाई कमाल हो गया वली ऐसा, क्या बात है आपकी। अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे शहर की नौजवान शायरा जनाब मुनीरा खान से कि आप आए
और अपना कलाम नजर सामईन फरमाएं। आपका एक मक्ता मैं नजर सामईन फरमाता हूँ, आप कहती हैं कि वो मुश्क क्या जो खुद से बताए कि मैं हूँ मुश्क, वो मुश्क क्या जो खुद से बताए कि मैं हूँ मुश्क, बुए सुखन का आप ही इरफान लें जनाब। चंद मुतफरक शेर और एक गज़ल नजर सामईन करती हूँ। शेर देखिएगा कि किसने हमें तराश के हीरा बना दिया, किसने हमें तराश के हीरा बना दिया, एक आम से थे पत्थर अभी कल की बात है। शुक्रिया। और शेर देखिएगा कि जो तिनके आशियां में अब नहीं हैं, जो तिनके आशियां में अब नहीं हैं, उड़ा ले जाएगी उनको भी आंधी, उड़ा ले जाएगी उनको भी आंधी, और हवा है चल रही है एक रुख पर, हवा है चल रही है एक रुख पर, चली बेसमत तो कहलाई आंधी, चली बेसमत तो कहलाई आंधी। सुभान अल्लाह, क्या शेर है भाई, वाह 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 वाह, शुक्रिया। हवा है चल रही है एक रुख पर, हवा है चल रही है एक रुख पर, चली बेसम तो कहलाई आंधी। और देखिएगा कि जलाकर रख दिया आंधी के आगे, जलाकर रख दिया आंधी के आगे, मुनीरा से तभी घबराई आंधी, मुनीरा से तभी घबराई आंधी, जलाकर रख दिया आंधी के आगे, जलाकर रख दिया आंधी के आगे, मुनीरा से तभी घबराई आंधी। शुक्रिया। और एक गजल आनी जाए आंधी सभी समातों की नजर करती हूँ। चादर कोई भी जब्त की क्यों तान लें जनाब, चादर कोई भी जब्त की क्यों तान लें जनाब, क्यों करना अपने खौफ की खुद जान लें जनाब, एक बार है जताने का एहसान बार बार। भाई वाह, बहुत अच्छा शेर है। एक बार है जताने का एहसान बार बार, तौबा है फिर से आपका एहसान। एक बार है जताने का एहसान बार बार, तौबा है फिर से आपका एहसान लें जनाब। और देखिएगा कि दें जो यकीन अपनी मोहब्बत का सुबह शाम, दें जो यकीन अपनी मोहब्बत का सुबह शाम, मुमकिन नहीं कि उनका कहा मान लें जनाब, मुमकिन नहीं कि उनका कहा मान लें जनाब। और शेर देखिएगा कि रखते हो जबकि आपके दिल और जबान तजाद, रखते हो जबकि आपके दिल और जबान तजाद, लाजिम है अपनी ज़ात का नुकसान लें जनाब, लाजिम है अपनी ज़ात का नुकसान लें जनाब। और शेर देखिएगा, चाहे से लब पे आरजू आती ना हो हुजूर, चाहे से लब पे आरजू आती ना हो हुजूर, पहलू भी बदलें आप तो पहचान लें जनाब। वाह 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 वाह, भाई क्या शेर है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा शेर, बहुत अच्छा। चाहे से लब पे आरजू आती ना हो हुजूर, पहलू भी बदले आप तो पहचान लें जनाब। और देखिएगा कि जिसको मनाने निकले हैं घर से जनाब आप, जिसको मनाने निकले हैं घर से जनाब आप, गजरे भी उनके वास्ते और पान लें जनाब। जिसको मनाने निकले हैं घर से जनाब आप, गजरे भी उनके वास्ते और पान लें जनाब। और मक्ता देखिएगा कि दिल जीतने का गुर है मुनीरा आज कल, दिल जीतने का गुर है मुनीरा आज कल, हारे नहीं हो हार मगर मान लें जनाब, हारे नहीं हो हार मगर मान लें जनाब। जी दिल जीतने का गुर है मुनीरा ये आजकल, हारे नहीं हो हार मगर मान लें जनाब। शुक्रिया। क्या खूबसूरत कलाम भाई, क्या मीरा खान पेश करवा रही थी। Let's clear the biological concepts following CIS syllabus biology 5090 every Saturday at 9 PM only on GEMS TV.
और अब मैं हैदराबाद के एक और खूबसूरत शायर मेरे भाई हम्माद वामिद से गुजारिश करूंगा कि आप आएं और अपना कलाम नजर सामईन फरमाएं। हम्माद के यूं तो मुझे बहुत सारे शेर याद हैं, लेकिन ये मेरे पसंदीदा हैं, तो मैं पेश करता हूं कि हम मोहब्बत में फना हो जाएंगे, हम मोहब्बत में फना हो जाएंगे, बात दिल की दिल में ही रह जाएगी, जिंदगी में घर मिला सब कुछ मुझे, फिर भी तेरी कमी रह जाएगी। साहिब सदर की इजाजत से इसी कृते के साथ आगाज करता हूँ कि मैंने सही नहीं पढ़ा। हम मोहब्बत में फना हो जाएंगे, हम मोहब्बत में फना हो जाएंगे, बात दिल की दिल में ही रह जाएगी। ये बात ठीक है, मेरी बात दिल में नहीं। हम मोहब्बत में फना हो जाएंगे, बात दिल की दिल में ही रह जाएगी, जिंदगी में घर मिला सब कुछ मुझे, फिर भी तेरी कमी रह जाएगी। गजल से चंद अशआर के, उठेगा जब तेरे रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता, उठेगा जब तेरे रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता, लिखूंगा तेरी सूरत पर किताब आहिस्ता आहिस्ता, उठेगा जब तेरे रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता, लिखूंगा तेरी सूरत पर किताब आहिस्ता आहिस्ता, कयामत आ गई लेकिन ना आया होश में अब तक। शेर देखिएगा कि कयामत आ गई लेकिन ना आया होश में अब तक, तेरी नजरों से जिसने पी शराब आहिस्ता आहिस्ता। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, क्या कयामत आई है। कयामत आ गई, कयामत आ गई लेकिन ना आया होश में अब तक, तेरी नजरों से जिसने पी शराब आहिस्ता आहिस्ता, हमारा दिल निकल कर हाथ से जाने ही वाला था, हमारा दिल निकल कर हाथ से जाने ही वाला था, कि देखा जब परिवश का शबाब आहिस्ता आहिस्ता। और शेर देखिएगा कि मोहब्बत में बहक कर इतना वो नजदीक तर आया, मोहब्बत में बहक कर इतना वो नजदीक तर आया, के फिर हटने लगे सारे हिजाब आहिस्ता आहिस्ता। क्या बात है, वाह वाह वाह। और मक्ता देखिएगा कि तेरी फुरकत में मुंह मेरे शराबे यूं लगी वामिक, हाय हाय, तेरी फुरकत में मुंह मेरे शराबे यूं लगी वामिक, जिगर होने लगा मेरा खराब आहिस्ता आहिस्ता। आपको तो बताऊंगा आपके लिए। और एक गजल से चंद अशआर के, चलते चलते जब कदम तेरी गली तक आ गए, चलते चलते जब कदम तेरी गली तक आ गए, यूं लगा हम तीरगी से रोशनी तक आ गए। चलते चलते, बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते जब कदम तेरी गली तक आ गए, यूं लगा हम तीरगी से रोशनी तक आ गए, जिनसे तू बिछड़ा वो फिर दुनिया से उकताने लगे, जिनसे तू बिछड़ा वो फिर दुनिया से उकताने लगे, और तू जिनसे मिला वो जिंदगी तक आ गए। भाई वाह। जिनसे तू बिछड़ा वो फिर दुनिया से उकताने लगे, और तू जिनसे मिला वो जिंदगी तक आ गए। क्या बात है। बंसवर कर जो निकलते थे भरे बाजार में, हाय हाय, बंसवर कर जो निकलते थे भरे बाजार में, हुस्न तेरा देखकर फिर सादगी तक आ गए। गुफ्तगू उनसे हुई तो वो फकत अच्छे लगे, गुफ्तगू उनसे हुई तो वो फकत अच्छे लगे, फिर वो ऐसे ही मकामे दिलवरी तक आ गए। और हुज़ैफ़ा शेर देखना के, भूख से कितने परेशान लोग बेबस हो गए, शेर सुनिएगा ये, भूख से कितने परेशान लोग बेबस हो गए, मुस्कुराते लोग कितने खुदकुशी तक आ गए, औज पर पहुंचे तो रब का नाम लेने से गए, औज पर पहुंचे तो रब का नाम लेने से गए, मुंह के बल जूं ही गिरे तो बंदगी तक आ गए। वाह वाह वाह।
औज पर पहुंचे तो रब का नाम लेने से गए, मुंह के बल जो ही गिरे तो बंदगी तक आ गए, एक दूजे पर जो भाई जा छिड़कते थे कभी। शेर देखिएगा कि एक दूजे पर जो भाई जा छिड़कते थे कभी, चार दीवारों की खातिर दुश्मनी तक आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक दूजे एक दूजे पर जो भाई जा छिड़कते थे कभी, एक दूजे पर जो भाई जा छिड़कते थे कभी, चार दीवारों की खातिर दुश्मनी तक आ गए। मीरो गालिब को पढ़ा सौदाओ मोमिन को पढ़ा, मीरो गालिब को पढ़ा सौदाओ मोमिन को पढ़ा, फिर गजल में हम जनाबे काजमी तक आ गए। मकता देखिएगा के मीरो गालिब को पढ़ा सौदाओ मोमिन को पढ़ा, फिर गजल में हम जनाबे काजमी तक आ गए। और मकता देखिएगा हमसे वामिक एक मिसरा तक कहा जाता न था, हमसे वामिक एक मिसरा तक कहा जाता न था, बस तो फैले आशिकी हम शायरी तक आ गए। हमसे वामिक एक मिसरा तक कहा जाता न था, बस तो फैले आशिकी हम शायरी तक आ गए। चलते चलते जब कदम तेरी गली तक आ गए, यूं लगा हम तीरगी से रोशनी तक आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, क्या बात है, जोरदार तालियां बजाएंगे। ये थे जनाब हम्माद वामिक जो अपना कलाम नजर सामाइन फरमा रहे थे। अब मैं अगले शायर, शहर हैदराबाद का एक और खूबसूरत शायर, मेरा भाई जनाब नजीब अलवी से गुजारिश करूंगा कि आप आएँ और अपना कलाम नजर सामाइन फरमाएं। मैं आपके इन अशार के साथ आपको दावत दे रहा हूं। आप कहते हैं कि एक कोहराम ऐसे बरपा हो, एक कोहराम ऐसे बरपा हो, रात का रोशनी से झगड़ा हो, एक कोहराम ऐसे बरपा हो, रात का रोशनी से झगड़ा हो, रक्स करती हो तीरगी हरसू, रक्स करती हो तीरगी हरसू, चांद ने मोर्चा संभाला हो, चांद ने मोर्चा संभाला हो। जनाब नजीब अलवी, बहुत शुक्रिया। दो शेर पेशगम साहिब सदर की इजाजत से। ख्वाब आमादा थे पर आंख ने गद्दारी की, ख्वाब आमादा थे पर आंख ने गद्दारी की, एक वजह ये भी बनी नींद से बेजारी। ख्वाब आमादा थे पर आंख ने गद्दारी की, एक वजह ये भी बनी नींद से बेजारी की। और शेर देखिएगा कि तहनियत के लिए आए हैं परिंदे छत पर, तहनियत के लिए आए हैं परिंदे छत पर, हमने तहरीक चलाई है शजरकारी। बहुत शुक्रिया। तहनियत के लिए आए हैं परिंदे छत पर, हमने तहरीक चलाई है शजरकारी की। और ये गजल से चंद शेर पेश करूंगा। रदीफ बहुत मानूस है और दौरे हाजिर का सबसे बड़ा मसला है, पेशे खिदमत है कि जिंदगी धुन है साज रोटी है, जिंदगी धुन है साज रोटी है, जावेदानी का राज रोटी है, जिंदगी धुन है साज रोटी है, जावेदानी का राज रोटी है। और फाका कश आदमी की दुनिया में, फाका कश आदमी की दुनिया में, भूख मजहब नमाज रोटी है, फाका कश आदमी की दुनिया में, भूख मजहब नमाज रोटी है। और भी हैं हयात के मकसद, कश भाई और भी हैं हयात के मकसद, सबसे पहला जवाज रोटी है, और भी हैं हयात के मकसद, सबसे पहला जवाज रोटी है। और एक मजदूर है कि जिसके लिए, शुक्रिया। एक मजदूर है कि जिसके लिए तमगा इम्तियाज रोटी है।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक मजदूर है कि जिसके लिए, एक मजदूर है कि जिसके लिए तमगा इम्तियाज रोटी है, एक मजदूर है कि जिसके लिए तमगा इम्तियाज रोटी है। और ये गजल से चंद अशआर के, तेरी दीवार से जो पेड़ जुड़ा रहता है, तेरी दीवार से जो पेड़ जुड़ा रहता है, ऐन पतझड़ में भी हर तौर हरा रहता है। तेरी दीवार से जो पेड़ जुड़ा रहता है, ऐन पतझड़ में भी हर तौर हरा रहता है, और कोई सूरज इसे छू ले तो ये हो जाए चराग, कोई सूरज इसे छू ले तो ये हो जाए चराग, एक दिया शाम की चौखट पे धरा रहता है। कोई सूरज इसे छू ले तो ये हो जाए चराग, एक दिया शाम की चौखट पे धरा रहता है। और शेर लिखेगा, जब से देखा है सरे दश्त लुटाते कुंभार, बड़ा कमाल का शेर है भाई। जब से देखा है सरे दश्त लुटाते कुंबा, इश्क शब्बीर के कदमों में पड़ा रहता है। जब से देखा है सरे दश्त लुटाते कुंबा, इश्क शब्बीर के कदमों में पड़ा रहता है। और कह कहा, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, कि जब से देखा है सरे दश्त लुटाते कुंभा, जब से देखा है सरे दश्त लुटाते कुंभा, इश्क शब्बीर के कदमों में पड़ा रहता है। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया भाई। भाई हुसैन का नाम ही ऐसा है ना। जब से देखा है सरे दश्त लुटाते कुंभा, इश्क शब्बीर के कदमों पे पड़ा। साहिब सदर की इजाजत से एक गजल के चंद अशआर और ज़हमत तमाम के, मोहब्बत की कहानी छोड़ जानी। जवानों के लिए बोल रहा हूँ भाई, मोहब्बत की कहानी छोड़ जानी, गई गुजरी पुरानी छोड़ जानी। भाई बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया भाई बहुत शुक्रिया। तालियां पुरजोर तालियां भाई बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। मोहब्बत की कहानी छोड़ जानी, गई गुजरी पुरानी छोड़ जानी, और शिकिस्ता हाल लोगों से न पूछो, शिकिस्ता हाल लोगों से न पूछो, ये रुदादे जवानी छोड़ जानी। बहुत शुक्रिया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, क्या बात है, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। शकिस्ता हाल लोगों से न पूछो, ये रूदा दे जवानी छोड़ जानी। और शेर दिया कि जमाने की लगाई मान बैठी, जमा काशी भाई, जमाने की लगाई मान बैठी, बड़ी आई सियानी छोड़ जानी। जमाने की लगाई मान बैठी, बड़ी आई सियानी छोड़ जानी। और आखिरी शेर पेश करने लगा हूं कि मसल कर क्यों करें बर्बाद आखिर, मसल कर क्यों करें बर्बाद आखिर, कुलों की जिंदगानी छोड़ जानी। बहुत शुक्रिया। मसल कर क्यों करें बर्बाद आखिर, गुलों की जिंदगानी छोड़ जानी। और जमाने की लगाई मान बैठी, बड़ी आई से आनी छोड़ जानी। भाई बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। बोलने की जरूरत ही नहीं अब तो, बड़ी आई से आनी, जमाने की लगाई मान बैठी, बड़ी आई से आनी छोड़ जानी। भाई नजीब ऐसा पढ़ रहे थे कि इनको छोड़ जानी बोलने का दिल नहीं कर रहा था आज। क्या कमाल का कलाम पेश किया। तो ये थे नजीब अलवी जो अपना कलाम नजरे सामईन फरमा रहे थे। और अब मैं हमारे शहर की एक और खूबसूरत शायरा जनाब बुशरा मसूद साहिबा से गुजारिश करूंगा। ये क्यों ज़बान पे लग रही है यार, तो शायरा आजकल होती कहाँ है हैदराबाद में। बुशरा मसूद साहिबा से करूंगा कि बस आप जल्दी से आ जाए। और आपका ये शेर मुझे इंतहाई पसंद है। आप कहती हैं
कि बमिसले दिल मिसरा सुन बमिसले दिल जमाले राय गा नसीब बमिसले दिल जमाले राय गा नसीब बहुत हसीन लग रहा है चांद आज क्या बात है। साहिब सदर की इजाज़त से ढल गई शाम तेरी आँख की गहराई में ढल गई शाम तेरी आँख की गहराई में ढल गई शाम तेरी आँखों की गहराई में दिल इन्हीं सुरमई झीलों में कहीं डूबा है ढल गई शाम तेरी आँखों की गहराई में दिल उन्हीं सुरमई झीलों में कहीं डूबा है छूटा जाता है मेरे दस्त तलब से दामन छूटा जाता है मेरे दस्त तलब से दामन जिंदगी रूठ के जाती हुई महबूबा है। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। छूटा जाता है मेरे दस्त तलब से दामन जिंदगी रूठ के जाती हुई महबूबा है। और एक गजल के चंद अशआर हैं जमाले यार और उसका बयां मोहब्बत है जमाले यार और उसका बयां मोहब्बत है हसीन शाम का दिलकश समा मोहब्बत है हमें गिला है कि तुमने हमें नहीं रोका हमें गिला है कि तुमने हमें नहीं रोका तुम्हें खबर थी कि आतिश फशां मोहब्बत है हमें गिला है कि तुमने हमें नहीं रोका तुम्हें खबर थी कि आतिश फशां मोहब्बत है अमल ना हो तो यकीन किस तरह दिलाओगे अमल ना हो तो यकीन किस तरह दिलाओगे जुबान से कितना भी कह लो कि हाँ मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया अमल ना हो तो यकीन किस तरह दिलाओगे जुबान से कितना भी कह लो कि हाँ मोहब्बत है हमारे गाँव की बर्फीली सर्द सुबहों में हमारे गाँव की बर्फीली सर्द सुबहों में सुनाई देती है जो वो अजां मोहब्बत है हमारे गाँव की बर्फीली सर्द सुबहों में सुनाई देती है जो वो अजां मोहब्बत है वफा की आखिरी तमसील करबला है दोस्त वफा की आखिरी तमसील करबला है दोस्त सरे हुसैन बनो के सना मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया वफा की आखिरी तमसील करबला है दोस्त सरे हुसैन बनो के सना मोहब्बत है रंग आंसू हंसी समझते थे रंग आंसू हंसी समझते थे तुम मेरी अनकही समझते थे। बहुत शुक्रिया रंग आंसू हंसी समझते थे तुम मेरी अनकही समझते थे सिर्फ सोहबत का फैज है वरना सिर्फ सोहबत का फैज है वरना खाक हम जिंदगी समझते थे सिर्फ सोहबत का फैज है वरना खाक हम जिंदगी समझते थे दिल मोहल्ले को छोड़ने वाले दिल मोहल्ले को छोड़ने वाले सांस की सिम्फनी समझते थे। बहुत अच्छा है भाई बहुत शुक्रिया शुक्रिया दिल मोहल्ले को छोड़ने वाले सांस की सिम्फनी समझते थे नासिहा एक दौर था हम भी नासिहा एक दौर था हम भी इश्क को दिल लगी समझते थे। बहुत शुक्रिया नासिहा
एक दौर था हम भी इश्क को दिल लगी समझते थे, अब जो समझे नहीं गिला कैसा, अब जो समझे नहीं गिला कैसा, आप पहले कभी समझते थे। अब जो समझे नहीं गिला कैसा, आप पहले कभी समझते थे। हमारा जख्म वफा तो यूं ही हरा रहेगा, हमारा जख्म वफा तो यूं ही हरा रहेगा, तुम्हारा खोटा खरा है जानम खरा रहेगा। हमारा जख्म वफा तो यूं ही हरा रहेगा, तुम्हारा खोटा खरा है जानम खरा रहेगा। तेरे शबिस्ता में रोशनी महवे रक्स होगी, तेरे शबिस्ता में रोशनी महवे रक्स होगी, हमारे सीने पे बारे गिरिया धरा रहेगा। तेरे शबिस्ता में रोशनी महवे रक्स होगी, हमारे सीने पे बारे गिरिया धरा रहेगा। ये हक व बातिल का मारका है तो खौफ कैसा, ये हक व बातिल का मारका है तो खौफ कैसा, अगर मुनाफिक रहा कोई तो डरा रहेगा। अगर मुनाफिक रहा कोई तो डरा रहेगा। और आखिरी आखिरी कुछ कुछ अशार नासिहा, नक़ व लब का काम नहीं, नासिहा नुद्क व लब का काम नहीं, खामोशी चाहिए कलाम नहीं। नासिहा नुद्क व लब का काम नहीं, खामोशी चाहिए कलाम नहीं, ये ताल्लुक अजब ताल्लुक है, ये ताल्लुक अजब ताल्लुक है, अपने हिस्से में एक शाम नहीं। ये ताल्लुक, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, ये ताल्लुक अजब ताल्लुक है, अपने हिस्से में एक शाम नहीं। तू समझता है बावफा जिसको, तू समझता है बावफा जिसको, कोई उस्सा नमक हराम नहीं। तू समझता है बावफा जिसको, तू समझता है बावफा जिसको, कोई उस्सा नमक हराम नहीं, कोई उस्सा नमक हराम नहीं। बेचने पड़ गए खत्म कर दिया खत्म। तू समझता है बावफा जिसको, कोई उस्सा नमक हराम नहीं। बेचने पड़ गए हरूफ मुझे मेरे लिखे हुए मेरा नाम नहीं। एक तगयुर है सू बसू बरपा दश्ते हैरत का अख्तिताम नहीं। भाई क्या बात है, बैठे रहते हैं बस मरव्वत में चाय पानी का इंतजाम नहीं। ये हम सबकी तरफ से आवाज थी। बैठे रहते हैं बस मरव्वत में चाय पानी का इंतजाम नहीं, खामोशी चाहिए कलाम नहीं। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। भाई आ गई जी, सॉरी मुझे आपको पहले बुलाना चाहिए था, पहले चाय पानी का इंतजाम हो रहा है, पहले ही क्या बात है भाई। जिनको चाय पीनी है वो जोरदार तालियां बजाएं। पहले बुलाना।
भाई ये थी बुशरा मसूद साहिबा जो क्या खूबसूरत शेर पेश कर रही थी और हमारी दिल की बातें भी बता रही थी। बहुत शुक्रिया तमाम सामईन की तरफ से। हमारे दरमियान एन ए 219 के एम एन ए जनाब अलीम खानजादा साहब तशरीफ़ फरमा हुए हैं। आपको ए पी एम एस ओ की पूरी टीम की तरफ से खुश आमदीद पेश करते हैं और उनके साथ डिस्ट्रिक्ट मेंबर कामरान कुरैशी भाई भी आए हैं, आपको भी खुश आमदीद पेश करते हैं। हमारे अगले शायर कुंडरी शहर से आपका ताल्लुक और उस जगह रहकर भी आप उर्दू शायरी करते हैं और ऐसी उर्दू शायरी करते हैं कि आपने तकरीबन तमाम शोरों को मनवाया कि उर्दू शायरी है। मेरी मुराद मीर एतजाज शान से है कि आप आए और अपना शेर नजर सामईन फरमाएं। मीर एतजाज का ये शेर, आप कहते हैं यूं तो वो हम सफर नहीं होती, सुन रहे हैं ना, यूं तो वो हम सफर नहीं होती, मिलने जाओ तो घर नहीं होती, यूं तो वो हम सफर नहीं होती, मिलने जाओ तो घर नहीं होती, आपके मौजज़े का क्या होता मेरी हैरत अगर नहीं होती। मीर एतज़ाज़। हुज़ैफ़ा ने जो पढ़ते हुए गलती की है मैं वो सुधार के पढ़ूंगा। एक वो हम सफर नहीं होती, एक वो हम सफर नहीं होती, मिलने जाओ तो घर नहीं होती, एक वो हम सफर नहीं होती, मिलने जाओ तो घर नहीं होती, आपके मौजज़े का क्या होता मेरी हैरत अगर नहीं होती। भाई क्या बात है, वाह, मेरी आपके मौजज़े का क्या होता मेरी हैरत अगर नहीं होती। क्या कहने, बहुत शुक्रिया। गदल से चंद अशार देखेंगे। रक्स करते गिरेंगे छाऊ में, रक्स करते गिरेंगे छाऊ में, अब थकन बज रही है पाँव में, रक्स करते गिरेंगे छाऊ में, अब थकन बज रही है पाँव में, अब थकन बज रही है पाँव में, अमन के खेत कट गए सारे, अमन के खेत कट गए सारे, शहर उगने लगा है गांव में। मीर एतजाज क्या बात है यार। अमन के खेत कट गए सारे, शहर उगने लगा है गांव में, और ये शेर देखें कि तुमसे कतबू ने झूठ बोला है, तुमसे कतबू ने झूठ बोला है, लाल जिंदा है अब भी माँ में। लाल जिंदा है अब भी माँ में, तुमसे कतबू ने झूठ बोला है, लाल जिंदा है अब भी माँ में। क्या कहने, क्या कहने? बहुत शुक्रिया। मेरे जाने में शहर राजी था, मेरे जाने में शहर राजी था, एक गली पड़ गई थी पाँव में, मेरे जाने में शहर राजी था, एक गली पड़ गई थी पाँव में, रक्स करते गिरेंगे छाँव में, अब थकन बज रही है पाँव में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई, क्या कहने। चंद और अशआर देखें गजल से के ऐसा भी क्या कि ये मुझसे न संभाली जाए, ऐसा भी क्या कि ये मुझसे न संभाली जाए, मन करे है कि तेरी बात उछाली जाए, ऐसा भी क्या कि ये मुझसे न संभाली जाए, मन करे है, मन करे है कि तेरी बात उछाली जाए। और ये नौजवानों के लिए के उससे कुर्बत तो बहुत दूर का किस्सा ठहरा, उससे कुर्बत तो बहुत दूर का किस्सा ठहरा, ऐसी लड़की है जो आंखों से चबा ली जाए।
उससे कुर्बत तो बहुत दूर का किस्सा ठहरा, ऐसी लड़की है जो आंखों से चबा ली जाए। उससे कुर्बत तो बहुत दूर का किस्सा ठहरा, ऐसी लड़की है जो आंखों से चबा ली जाए। और कौन जाने के मच्छरों को ये किसने बोला, कौन जाने के मच्छरों को ये किसने बोला, जाल ऐसा हो के नदी ही चुरा ली जाए। कौन जाने, कौन जाने, कौन जाने के मच्छरों को ये किसने बोला, जाल ऐसा हो के नदी ही चुरा ली जाए। जाल ऐसा हो के नदी ही चुरा ली जाए। एक दूजे के जो भूखे हैं कई दिन से हम, एक दूजे के जो भूखे हैं कई दिन से हम, कहीं मिलकर कोई रोटी न पका ली जाए। एक दूजे के जो भूखे हैं कई दिन से हम, कहीं मिलकर कोई रोटी न पका ली जाए। कहीं मिलकर कोई रोटी न पका ली जाए। और मक्ता देखें कि तय भी करते हैं, तय भी करते हैं कि चूमेंगे कि फेंकेंगे मीर, तय भी करते हैं कि चूमेंगे कि फेंकेंगे मीर, पहले बटवे से वो तस्वीर निकाली जाए। तय भी करते हैं कि चूमेंगे कि फेंकेंगे मीर, पहले बटवे से वो तस्वीर निकाली जाए। ऐसा भी क्या कि ये मुझसे न संभाली जाए, मन करे है कि मेरी बात उछाली जाए। मैं आखिर में सिर्फ अपने दरिया के लिए, सिंधु दरिया के लिए रिकॉर्ड पेश करना चाहता हूँ इस गजल की सूरत, और गजल सुनते हुए, शेर सुनते हुए आप वो सूखते दरिया का मंजर जरूर याद रखिए। मतलब है कि अपनी खाक उड़ाता दरिया, अपनी खाक उड़ाता दरिया, भीगी आंखें सूखा दरिया, अपनी खाक उड़ाता दरिया, भीगी आंखें सूखा दरिया, तेरे स्विमिंग पूल भरे हैं, तेरे स्विमिंग पूल भरे हैं, सूख रहा है मेरा दरिया। तेरे स्विमिंग पूल भरे हैं, सूख रहा है मेरा दरिया, सूख रहा है मेरा दरिया, सूख रहा है मेरा दरिया, उसने सूख रहा है मेरा दरिया, उसने उसने हाथ भिगोए अपने, शेर देखिएगा, उसने हाथ भिगोए अपने, अपने आप में डूबा दरिया, उसने हाथ भिगोए अपने, अपने आप में डूबा दरिया, कश्ती कश्ती घूम चुका हूँ, कश्ती कश्ती घूम चुका हूँ, डूब चुका हूँ दरिया दरिया, कश्ती कश्ती घूम चुका हूँ, डूब चुका हूँ दरिया दरिया, और साहिल पर हैं कितने जोड़े, साहिल पर हैं कितने जोड़े, फिर भी कितना तन्हा दरिया, साहिल पर हैं कितने जोड़े, फिर भी कितना तन्हा दरिया, कौन यकीन करेगा मेरा, शेर सुनिए दोस्तों, कौन यकीन करेगा मेरा, मैंने वापस खींचा दरिया। हाय हाय, बहुत शुक्रिया। कौन यकीन करेगा मेरा, मैंने वापस खींचा दरिया, मुझको भूख लगी थी लेकिन, मुझको भूख लगी थी लेकिन, यही हमारी रिवायत है यहाँ की, कि मुझको भूख लगी थी लेकिन मैंने फिर भी मांगा दरिया, मुझको भूख लगी थी लेकिन
मैंने फिर भी मांगा दरिया, आसारों को रोती मट्टी, आसारों को रोती मट्टी, तहजीबों पर हंसता दरिया, आसारों को रोती मट्टी, तहजीबों पर हंसता दरिया। मीर ने रोकर बोला मुझसे, मीर ने रोकर बोला मुझसे, कैसी धरती कैसा दरिया। मीर ने रोकर बोला मुझसे, कैसी धरती कैसा दरिया, अपनी खाक उड़ाता दरिया, भीगी आंखें सूखा दरिया, तेरे स्विमिंग पूल भरे हैं, सूख रहा है मेरा दरिया। बहुत शुक्रिया भाई, क्या बात है, जोरदार तालियां। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक गजल नजीब ने पेश की थी, रोटी अली, तो मैं उसकी भूख पेश करता हूँ। तरतीब तो ये होनी चाहिए थी कि पहले भूख आती है। हाँ, वक्त बेजायका, वक्त बेजायका, जिंदगी भूख है। वक्त बेजायका, जिंदगी भूख है, प्यास ही प्यास है, भूख ही भूख है। आए हाय, वक्त बेजायका, जिंदगी भूख है, प्यास ही प्यास है, भूख ही भूख है। यूं हमारे सभी रास्ते हैं अलग, जो हमारे सभी रास्ते हैं अलग, जो हमें जोड़ती है कड़ी भूख है। यो हमारे सभी रास्ते हैं अलग, जो हमें जोड़ती है कड़ी भूख है। तेरी दरिया दिली रोटियां खा गई, तेरी दरिया दिली रोटियां खा गई, तेरे लहजे में ये बेरुखी भूख है। तेरी दरिया दिली रोटियां खा गई, तेरे लहजे में ये बेरुखी भूख है। और शेर देखना, शेर देखना, मैं अपने इस मुशायरे के सदर के नाम ये शेर कर रहा हूँ कि मेरी तख्लीक है मेरी फाका कशी, मेरी तख्लीक है मेरी फाका कशी, शेर कहता हूँ मैं सोचती भूख है। मेरी तख्लीक है मेरी फाका कशी, शेर कहता हूँ मैं सोचती भूख है। और शेर देखना कि जो भी था आपके सामने रख दिया, जो भी था आपके सामने रख दिया, क्या खबर आपको कौन सी भूख है। जो भी था आपके सामने रख दिया, क्या खबर आपको, क्या खबर आपको कौन सी भूख है। और मक्ता देखें कि मीर ने एक निवाला लिया और कहा, मीर ने एक निवाला लिया और कहा, ये मोहब्बत मियां बाद की भूख है। मीर ने एक निवाला लिया और कहा, ये मोहब्बत मियां बाद की भूख है, प्यास ही प्यास है, भूख ही भूख है। बहुत शुक्रिया भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जोरदार तालियां होनी चाहिए। मीर ने एक निवाला लिया और कहा, ये मोहब्बत मियां बात की भूख है। ये थे मीर एतजाज जो अपना कलाम नजर सामईन फरमा रहे थे, और इनके कलाम के दरमियान हमारे बीच तशरीफ लाए MPA PS 64 राशिद खान भाई, आपको आमद पर खुशामदीद कहते हैं। शायरी के इंतखाब पर मुश्तमिल प्रोग्राम वकारे सुखन देखिए हर जुमेरात की रात 9 बजे सिर्फ जेम्स TV पर। और अब मैं जिस शायर को दावत देने जा रहा हूँ उसके लिए मैं एक बात कहता हूँ, और मेरा दिल कर रहा है वो बात कहने का, कि किसी भी शायर की खुशकिस्मती होती है सर कि उसे एक अच्छी शेरी फिज़ा मिल जाए। हैदराबाद की शेरी फिज़ा की खुशकिस्मती है कि उसे फैजान फैजी मिला है। चकवाल से आपका ताल्लुक है, आप चकवाल से आए हैं, और आज के मुशायरे में हमारे मेहमान शायर हैं, तो मेहमानों को हम कैसा सुनते हैं जरा तालियां बजा के बताएं। और आपके तारुफ के लिए आपका ये मशहूर जमाना शेर ही काफी है, यकीनन कई लोगों ने सुन रखा होगा कि खुदा करे कि तुम्हारा भी कोई यूसुफ हो,
खुदा करे कि तुम्हारा भी कोई यूसुफ हो, खुदा करे तुम्हें उसकी कमीज तक न मिले। फैजान फैजी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शेर देखेगा कि तुमने हाथों पे रखे हाथ सितारे बदले, तुमने हाथों पे रखे हाथ सितारे बदले, अब तो दुनिया भी नहीं लूंगा तुम्हारे बदले। भाई क्या शेर है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तुमने हाथों पे रखे हाथ सितारे बदले, अब तो दुनिया भी नहीं लूंगा तुम्हारे बदले। हमने बस एक नजर उसको भी देखा था, देखिए क्या कि हमने बस एक नजर उसको अभी देखा था, पीछे एक हॉर्न बजा आगे इशारे बदले। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और देखिए हमने बस एक नजर उसको अभी देखा था, पीछे एक हॉर्न बजा आगे इशारे बदले। और शेर देखिएगा कि राय गानी ने बहुत वार किए थे मुझ पर, राय गानी ने बहुत वार किए थे मुझ पर, मैंने फिर शेर कहे और उतारे बदले। के राय गानी ने बहुत वार किए थे मुझ पर, मैंने फिर शेर कहे और उतारे बदले। और देखिए कि मैंने एक उम्र रियाजत की नजर की अपनी, मैंने एक उम्र रियाजत की नजर की अपनी, तब कहीं आंख में मौजूद नजारे बदले। मैंने एक उम्र रियाजत की नजर की अपनी, तब कहीं आंख में मौजूद नजारे बदले। और अगली गजल से कुछ इशार देखिएगा कि इस शहर पे जब से तेरा फैजान बड़ा है, इस शहर पे जब से तेरा फैजान बड़ा है, लोगों का यहाँ हुस्न पे ईमान बड़ा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस शहर पे जब से तेरा फैजान बड़ा है, लोगों का यहाँ हुस्न पे ईमान बड़ा है, और ये लोग मोहब्बत से बहुत दूर थे पहले, ये लोग मोहब्बत से बहुत दूर थे पहले, सच शुक्र अभी लोगों में रुझान बड़ा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये लोग मोहब्बत से बहुत दूर थे पहले, सच शुक्र अभी लोगों में रुझान बड़ा है। और शेर देखिएगा कि मैं शेर तो पहले भी कहा करता था लेकिन ये शौक तेरे हिजर के दौरान बड़ा है। क्या बात है यार, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं शेर तो पहले भी कहा करता था लेकिन ये शौक तेरे हिजर के दौरान बड़ा है। बहुत शुक्रिया। एक और गजल से देखिएगा कि जब लोग हाथ हाथ में लेकर निकल पड़े, जब लोग हाथ हाथ में लेकर निकल पड़े समझो हयात हाथ में लेकर निकल पड़े। जब लोग हाथ हाथ में लेकर निकल पड़े समझो हयात हाथ में लेकर निकल पड़े। और देखिए कि पहले किया इरादा मोहब्बत के शहर का, पहले किया इरादा मोहब्बत के शहर का, फिर एहतियात हाथ में लेकर निकल पड़े। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पहले किया इरादा, बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए। पहले किया इरादा मोहब्बत के शहर का, फिर एहतियात हाथ में लेकर निकल पड़े। और शेर देखिएगा वकार भाई के, उसने हमारे हाथ में जब हाथ दे दिया, उसने हमारे हाथ में जब हाथ दे दिया, हम कायनात हाथ में लेकर निकल पड़े। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए। उसने
हमारे हाथ में जब हाथ दे दिया हम कायनात हाथ में लेकर निकल पड़े। और आखिरी गजल से तीन शेर सुनिएगा कि तारीफ तो मुमकिन नहीं, इफ्तिखार भाई बहुत शुक्रिया आप सलामत रहिए, तारीफ तो मुमकिन नहीं, तारीफ तो मुमकिन नहीं, तज़हीक तो होना, तारीफ तो मुमकिन नहीं, तज़हीक तो होना, तज़हीक तो होना, लोगों में किसी राय की तस्दीक तो होना, तारीफ तो मुमकिन नहीं, तारीफ तो मुमकिन नहीं, तज़हीक तो होना, तज़हीक तो होना, लोगों में किसी राय की तस्दीक तो होना, वो शख्स मेरे हाथ ना आए कोई गम नहीं, वो शख्स मेरे हाथ ना आए कोई गम नहीं, वो शख्स मेरी आंख के नजदीक तो होना। बहुत शुक्रिया वो शख्स मेरे हाथ ना आए कोई गम नहीं, वो शख्स मेरी आंख के नजदीक तो होना। और बहुत शुक्रिया। और मौजूदा हालात को देखते हुए मैं शेर कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि तसादम की फजा हो, शेर दिखे कि मैं ये नहीं कहता कि तसादम की फजा हो, पर अच्छे बुरे लोगों में तफरीक तो होना। सलामत रहिए। तारीफ तो मुमकिन नहीं, तज़हीक तो होना, लोगों में किसी राय की तस्दीक तो होना, वो शख्स मेरे हाथ ना आए कोई गम नहीं, वो शख्स मेरी आंख के नजदीक तो होना। और देखे मैं ये नहीं कहता कि तसादम की फजा हो, पर अच्छे बुरे लोगों में तफरीक तो होना। और बहुत शुक्रिया। और आखिरी शेर, बहुत शुक्रिया सलामत रहिए, बहुत शुक्रिया सलामत रहिए। शेर देखिएगा कि हाँ ठीक है तुम मुझसे ताल्लुक ना बढ़ाओ, भाई शेर देखिएगा, इफ्तिखार भाई आपकी नजर कर रहा हूँ कि हाँ ठीक है तुम मुझसे ताल्लुक ना बढ़ाओ, इतना तो बजा सकती हो तुम ठीक तो हो ना। बहुत शुक्रिया हाँ ठीक है तुम मुझसे ताल्लुक ना बढ़ाओ, इतना तो बता सकती हो तुम ठीक तो होना। और आखिर में नजीब भाई ने शेर कहा था कि खुदा करे कि तुम्हारा भी कोई यूसुफ हो, खुदा करे कि तुम्हारा भी कोई यूसुफ हो, खुदा करे तुम्हें उसकी कमीज तक न मिले। अब हैदराबाद के जिस नौजवान शहर को मधु करूंगा, वो मैं यूं कहूं कि हैदराबाद में इस वक्त नौजवानों में सबसे बेहतर मेरी नज़र में शेर कहने वाला शहर है। हर किसी का अपना मुनफरिद तजिया हो सकता है। इसके शेर देखेंगे आप कि दायम बका दवाम का मतलब बताऊं मैं, दायम बका दवाम का मतलब बताऊं मैं, एक बार मेरे हाथ में अपनी कलाई दे, और इतनी स्याह जुल्फ इतनी स्याह के बख्त भी रोशन दिखाई दे। मैं मुल्तमिस हूँ ज़ैफ़ा कायन से कि वो आए और अपने शहर पे। बहुत नवाजिश सब दोस्तों की शुक्रिया, बहुत नवाजिश जनाब सदर की इजाज़त से, चूँकि ये हैदराबाद है तो समाअत कीजिए कि, और अली वाले भी यकीनन बैठे होंगे, अपनी हर फरियाद है नामे हैदर से, अपनी हर फरियाद है नामे हैदर से, दूर हर एक उफ्ताद है नामे हैदर से, अपने शहर में कैसा खौफ और डर यारो, अपना शहर आबाद है नामे हैदर से।
अपने शहर में कैसा खौफ और डर यारो, अपना शहर आबाद है नामे हैदर से। दो शेर जमात कीजिए के नौजवानों की नजर के चार छह लाइन घिसी पिटी जो रट कर रह जाते हैं यार, चार छह लाइन घिसी पिटी जो रट कर आ जाते हैं यार, प्यार में उनके ही क्यों अच्छे नंबर आ जाते हैं यार। चार छह लाइन घिसी पिटी जो रट कर आ जाते हैं यार, प्यार में उनके ही क्यों अच्छे नंबर आ जाते हैं यार। और मामूली सी बात है पहले इश्क में होश गवा देना, मामूली सी बात है पहले इश्क में होश गवा देना, पहली सिगरेट में तो सबको चक्कर आ जाते हैं यार। चार छह लाइन घिसी पिटी जो रटकर आ जाते हैं यार, प्यार में उनके ही क्यों अच्छे नंबर आ जाते हैं यार। और मामूली सी बात है पहले इश्क में होश गवा देना, पहली सिगरेट में तो सबको चक्कर आ जाते हैं यार। और एक गजल से चंद्रशार के, ये जो नुसरत को गाया जा रहा है, ये जो नुसरत को गाया जा रहा है, किसी का गम भुलाया जा रहा है। ये जो नुसरत को गाया जा रहा है, किसी का गम भुलाया जा रहा है। और किसी के दिल को बहलाने की खातिर, किसी के दिल को बहलाने की खातिर, किसी का दिल जलाया जा रहा है। किसी के दिल को बहलाने की खातिर किसी का दिल जलाया जा रहा है। और हम ही पर एतबारी के हैं दावे, हम ही पर एतबारी के हैं दावे, हम ही को आजमाया जा रहा है। हम ही पर एतबारी के हैं दावे, हम ही को आजमाया जा रहा है। हम ही पर एतबारी और तेरी तेरी महफिल में मेरी नाक नीचे, तेरी महफिल में मेरी नाक नीचे, ये कैसा गुल खिलाया जा रहा है। तेरी महफिल में मेरी नाक नीचे, और कहीं तो प्यार के लाले पड़े हैं, कहीं तो प्यार के लाले पड़े हैं, कहीं पर सूद खाया जा रहा है। कहीं पर प्यार के लाले पड़े हैं, कहीं पर सूद खाया जा रहा है। दुआएं दे रहा था जिंदगी की, दुआएं दे रहा था सोसाइल को भगाया जा रहा है। दुआएं दे रहा था जिंदगी की, सोसाइल को भगाया जा रहा है। और मोहब्बत तो कभी की खत्म यारो, मोहब्बत तो कभी की खत्म यारो, बस अब पीछा छुड़ाया जा रहा है। मोहब्बत तो कभी की खत्म यारो, बस अब पीछा छुड़ाया जा रहा है। और इसका आखिरी शेर है के इन्हें कब आजमाना चाहिए था, इन्हें कब आजमाया जा रहा है, इन्हें कब आजमाना चाहिए था, इन्हें कब आजमाया जा रहा है। और अब एक और गजल से चंद शार के, रुख को गर्मा पारा समझा जा सकता है, रुख को गर्मा पारा समझा जा सकता है, दिल को भी तो तारा समझा जा सकता है। रुख को गर्मा पारा समझा जा सकता है, दिल को भी तो तारा समझा जा सकता है। और उसने अब इस हौज पे आना छोड़ दिया है, अब इस हौज पर आना छोड़ दिया। शेर समाप्त कीजिएगा, उसने अब इस हौज पे आना छोड़ दिया है, अब पानी को खारा समझा जा सकता है। उसने अब इस हौज पे आना छोड़ दिया है, अब पानी को खारा समझा जा सकता है। और कौन उस चेहरे की तफसीर बताएगा, कौन उस चेहरे की तफसीर बताएगा, कौन उस चेहरे की तफसीर बताएगा,
किससे अब ये पारा समझा जा सकता है। कौन उस चेहरे की तफसीर बताएगा। बहुत अच्छे भाई। किससे अब ये पारा समझा जा सकता है। और जिस इंसान को इश्क हवस दोनों ही ना हो, जिसको इश्क है वो भी बोल सकता है और जिसको चले खुद समझ जाए। जिस इंसान को इश्क हवस दोनों ही ना हो, चलता फिरता दारा समझा जा सकता है। चलता फिरता गारा समझा जा सकता है। और शायरों से माजरत के साथ कि अब हम शेर आसानी से कह लेते हैं, अब हम शेर आसानी से कह लेते हैं, अब हमको नाकारा समझा जा सकता है। अब हम शेर आसानी से कह लेते हैं, अब हमको नाकारा समझा जा सकता है। और मैं हूँ शायरों की खास तवज्जो कि मैं हूँ महवे याद उसे बतलाती है, मैं हूँ महवे याद उसे बतलाती है, हिचकी को हरकारा समझा जा सकता है। हिचकी को हरकारा समझा जा सकता है। और करने वाले का लहजा ही बतला देगा, करने वाले का लहजा ही बतला देगा, करने वाले तवज्जो, करने वाले का लहजा ही बतला देगा, किन वादों को लारा समझा जा सकता है। बहुत अच्छे भाई। करने वाले का लहजा ही बतला देगा, किन वादों को लारा समझा जा सकता है। और खून को भी करने वाले का लहजा ही बतला देगा, करने वाले का लहजा ही बतला देगा, किन वादों को लारा समझा जा सकता है। और खून को भी, खून को भी लाली कह सकते हैं वैसे, खून को भी लाली कह सकते हैं वैसे, आंसू को मस्कारा समझा जा सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंसू को मस्कारा समझा जा सकता है। और मकता है कि ये खून को भी लाली कह सकते, करने वालों का, करने वाले का लहजा ही बतला देगा, करने वाले का लहजा ही बतला देगा, किन वादों को लारा समझा जा सकता है। और मकता है कि ये गम की गिनती है सो कायम इसमें, ये गम की गिनती है सो कायम इसमें, एक और दो को बारह समझा जा सकता है। ये गम की गिनती है सो कायम इसमें, एक और दो को बारह समझा जा सकता है। करने वाले का लहजा ही बतला देगा, किन वादों को लारा समझा जा सकता है। यार अदाब है, अदाब है। मैं अदाब है, अदाब काशिफ भाई, हमारे काशिफ रफीक साहब यहाँ मौजूद हैं। आप एक नज़्म की फरमाइश मुझसे हमेशा करते हैं, तो मैं आखिर में वही नज़्म पेश करके इजाज़त चाहूँगा कि लोग हैरान हैं, लोग हैरान हैं, मैं खजिल और कम अकल लड़का जिसे कुछ खबर ही न थी नज़्म व अशआर की, लोग हैरान हैं, मैं खजिल और कम अकल लड़का जिसे कुछ खबर ही न थी नज़्म व अशआर की, जिसको अल्फाज के वजन छोड़ो के मानी भी आते न थे, जिसने गालिब पढ़ा है नहीं मीर को और नहीं जो गया सुए फैज़ो फराज़ और सरवत कभी, जिसकी नस्लों में भी कोई लिखता न था, यानी जिस शख्स का नज़्म व अशआर से कुछ इलाका न था, वक्त ही वक्त में देखते देखते शेर कहने लगा और शायर हुआ, वक्त ही वक्त में देखते देखते शेर कहने लगा और शायर हुआ। अब बता दिल रुबा, अब बता दिल रुबा, मेरी जाने गजल वजह अशार और वजह वरूदे सुखन, इनको कैसे बताए तेरा ये कवि के ये सारा करम तुझ हसी शख्स की एक मुलाकात की सारी खैरात है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इनको कैसे सुनाऊं मैं वो दास्तां
जब तुझे देखकर मेरा इदरा गर्दों को छूने लगा, मेरे जहनो जका रक्स करने लगे और इल्हाम मेरे और अनजान के दरमिया में से पर्दे हटाने लगा, और वो अल्फाज जिनसे मैं वाकिफ ना था कैसे अशार में उनको लाने लगा। और फिर जो हुआ उस पे इनको कहां से यकीन आएगा जबकि मैं ही ताज्जुब में हूं आज तक। क्या बताऊं कि जब तेरी पहली सदा मेरे कानों में आई सुए कल्ब से, तो मुझे यूं लगा जैसे सारा रिधम सारे वजनो अरूजो तरन्नुम सभी बहरे हिंदी रमल से मुदारे तलक, ये फूल व फैल फाइलात और फा मेरे इस खानाए लाशौरी में आकर के यज्जा हुए और मिलकर सभी भैरवी राग में गीत गाने लगे। वाह वाह वाह। जिस घड़ी जाने जा, बस ये अब आखिर में आप लोगों ने तवज्जो से सुनना है कि जिस घड़ी जाने जा सुन के तेरी सदा, अपनी बेनूर आंखें लिए मैं तेरे रुख की जानिब मुड़ा। जिस घड़ी जाने जा सुन के तेरी सदा, अपनी बेनूर आंखें लिए मैं तेरे रुख की जानिब मुड़ा, तो फिर एक सिलसिलाए इनायत इल्हाम जारी हुआ, आमदे नज़्म अशआर का मरहला मुझ पे तारी हुआ। मैंने सबसे पहल तेरे बरवज़्न मिसरों की मानिंद अबरू पे डाली निगाह, मेरा मतला हुआ। मैंने सबसे पहल तेरे बरवज़्न मिसरों की मानिंद अबरू पे डाली निगाह, मेरा मतला हुआ। फिर तेरी चश्मे मखमूर पर आ गया, और जितनी दफा उस मिजाहे ज़दन ने इशारा किया, तेरा दिलहार अशार कहता रहा। फिर तेरे लब की उस जावेदानी हंसी के तसद्दुक मुझे एक तखल्लुस मिला, मेरा मक्ता हुआ, और यूं एक मुकम्मल गजल हो गई। क्या कहने, यानी अल मुख्तसर, यानी अल मुख्तसर सारा रिश्के सुखन बस तेरी एक झलक से ही वाफिर हुआ, और इसके सबब एक बेजौक लड़का भी शायर है। क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, उदेवा बहुत अच्छा पढ़ा है, वाह वाह वाह। एक बेजौक लड़का भी शायर हुआ, और अब मैं उठ के नहीं जा रहा, मैं अपनी यहीं से हमारे सदर साहब को भी दावत दे रहा हूं, और हमारे मेहमान गिरामी जो कि इस वक्त तशरीफ लाए हैं, जनाब पीएस 62 के एमपीए जनाब साबिर कायम खानी भाई तशरीफ लाए हैं, आपको आमद पर खुश आमदीद कहते हैं। आपके साथ पीएस 65 के नासिर कुरैशी भाई तशरीफ लाए हैं, आपको भी आमद पर खुश आमदीद कहते हैं। और अब मैं इख्तिताम मुशायरा में आज के आखिरी शायर सदर मुशायरा CEO जेम्स टीवी सर वक्कार अहमद वक्कार को आपके इन अशार के साथ दावत दे रहा हूं कि शायरी चाय यार मौसीकी, शायरी चाय यार मौसीकी, इस्तेआरे बका के होते हैं आप दिल में यूं आ गए कैसे, घर में दाखिल बता के होते हैं। तालियों के साथ इस्तकबाल करेंगे जनाब वक्कार अहमद वक्कार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खूबसूरत समातें आज मयसर आ रही हैं। मैं सबसे पहले ये जो मुशायरा था आज बानियान पाकिस्तान के हुजूर पेश किया गया, एक शेर पाकिस्तान के हवाले से, और उसके बाद चंद मुतफर्रिक अशआर और गजल आपके समातों की नजर करता हूँ। अमीने अजमत असलाफ आज हम हैं वकार, अमीने अजमत असलाफ आज हम हैं वकार, हमारे दम से है कायम वकार आजादी, हमारे दम से है कायम वकार आजादी। इतनी खूबसूरत समातें बैठी हुई हैं, इंजीनियर साबिर हुसैन कायम खानी बैठे हुए हैं, नासिर भाई बैठे हुए हैं, शफीक कुरैशी साहब बैठे हुए हैं, मतलब किस किस के नाम लूं, देसवाली साहब बैठे हुए हैं और नासिर नवाब बैठे हुए हैं, और नौजवान चुके नौजवानों वाले माहौल के शेर सुन रहे हैं। मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, लेकिन फिर भी कभी कभी अंदर का नौजवान जाग जाता है। तो एक गजल के चंद अशआर, एक मतला और एक गजल। दिन को तुलू करने से पहले सोचना था, दिन को तुलू करने से पहले, राशिद भाई, दिन को तुलू करने से पहले सोचना था, तुमको नकाब उलटने से पहले सोचना था भाई। वाह वाह वाह। दिन को तुलू करने से पहले सोचना था,
तुमको नकाब उलटने से पहले सोचना था। नामे खुदा गजल देखिए, नामे खुदा सिमरने से पहले सोचना था। ये मुशायरा हम्माद रिजवान की इतनी कोशिशों से हुआ है, बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए हम्माद रिजवान की और इनकी पूरी टीम के लिए। शाहरुख शेर देखें, नामे खुदा सिमरने से पहले सोचना था या फिर तुम्हें मुकरने से पहले या फिर तुम्हें मुकरने से पहले सोचना था। आजाद इस कफस से किस तरह होगी मुमकिन, आजाद इस कफस से किस तरह होगी मुमकिन, ये बाहों में बिखरने से पहले। आए आए आजाद इस कफस से, आजाद इस कफस से किस तरह होगी मुमकिन, ये बाहों में बिखरने से पहले सोचना था। और कितने तड़प रहे हैं मशकूर भाई, तवज्जो चाहूंगा, कितने तड़प रहे हैं, कितने ही कत्ल होंगे, कितने तड़प रहे हैं, कितने ही कत्ल होंगे, ये सब तुम्हें संवरने से पहले सोचना। कितने तड़प रहे हैं, कितने तड़प रहे हैं, कितने ही कत्ल होंगे, ये सब तुम्हें संवरने से पहले सोचना था। और अब मैं ही हूं मयसर सर्दी में ओढ़ने को, आए आए अब मैं ही हूं मयसर सर्दी में ओढ़ने को, देखो तुम्हें ठिठरने से पहले सोचा। क्या बात, क्या बात, अब मैं ही हूं मयसर सर्दी में ओढ़ने को, देखो तुम्हें ठिठरने से पहले सोचना था। और है डूबना मुकद्दर उस बहरे बेकरा में, है डूबना मुकद्दर उस बहरे बेकरा में, अमान है डूबना मुकद्दर उस बहरे बेकरा में, ये आंखों में उतरने से पहले आए आए। और हर पल को जिंदगी के जीना ही जिंदगी है, हर पल को जिंदगी के मुजीब जीनो बुढ़ापे में, हर पल को, हर पल को जिंदगी के जीना ही जिंदगी है, लेकिन ये उस पे मरने से पहले, हर पल को जिंदगी के जीना ही जिंदगी है, लेकिन ये उस पे मरने से पहले सोचना। एक दूसरे को आओ थोड़ा सा वक्त दे ले, एक दूसरे को आओ थोड़ा सा वक्त दे ले, ये गुलसिता बिखरने से पहले, ये गुलसिता बिखरने से पहले सोचना था। और लिखकर वकार दिल पर एक नाम सोचता हूँ, लिखकर वकार दिल पर एक नाम सोचता हूँ, खाली जगह को भरने से पहले, खाली जगह को भरने से पहले सोचना था। मरहम भी सुनाता हूं बल्कि लगाता हूं, एक गजल, बहुत सारे जरूरत पड़ रही है, ठीक है, कह रहे हैं कि चले मैं मरहम सुनाता हूं और उसके बाद वो गजल जिसने जिसका तस्करा किया, मरहम की तरह हो कभी निश्तर की तरह हो, मरहम की तरह हो कभी निश्तर की तरह हो, अंदाजे सुखन खसलत दिलबर की तरह हो, मरहम की तरह हो कभी निश्तर की तरह हो, अंदाजे सुखन खसलत दिलबर की तरह हो, साहिल की तरह हो न समंदर की तरह हो, शाबई साहिल की तरह हो न समंदर की तरह हो, घर ऐसा हो या वैसा बस घर की तरह, साहिल की तरह हो न समंदर की तरह हो, घर ऐसा हो या वैसा बस घर की तरह हो। और सावर भाई के लिए शेर पढ़ रहा हूं कि वो शख्स बड़ा और बड़ा और बड़ा है, वो शख्स बड़ा और बड़ा और बड़ा है, जो शख्स बड़ा हो के बराबर की तरह हो, वो शख्स बड़ा और बड़ा और बड़ा है, जो शख्स बड़ा हो के बराबर की तरह हो।
और पत्थर वो शख्स बड़ा और बड़ा और बड़ा है जो शख्स बड़ा हो के बराबर की तरह हो। पत्थर तो खुदा बनके हुआ और भी पत्थर भाई क्या पत्थर तो खुदा बनके हुआ और भी पत्थर मोह उसको किया जाए जो पत्थर की तरह हो। पत्थर तो खुदा बनके हुआ और भी पत्थर मोह उसको किया जाए जो पत्थर की तरह हो। मैदान तुम्हारे लिए शेर पड़ा हूं कि फन कोई हो मैदान मीर शेर देकर फन कोई हो एजाज़े महारत का है ममनून। फन कोई हो एजाज़े महारत का है ममनून। बुद्धगर हो अगर कोई तो आज़र की तरह हो। बुद्धगर हो अगर कोई तो आज़र की तरह हो। और मंजर भाई क्या शेर फन कोई हो एजाज़े महारत का है ममनून। बुद्धगर हो अगर कोई तो आज़र की तरह हो। मंजर पसे मंजर पसे मंजर पसे मंजर ये सियासी बसीरत रखने वाले तमाम सियासतदानों के लिए है कि मंजर पसे मंजर पसे मंजर पसे मंजर गर तेरी नजर मर्दे कलंदर की तरह हो। आए वाह 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 गर तेरी नजर मर्दे कलंदर की तरह हो। मर्दे कलंदर की तरह हो। आए आए गर तेरी नजर मर्दे कलंदर की तरह हो। चेहरे पे हो तहरीर तेरे दिल हो जाए। बहुत अच्छा चेहरे भाई सुभान अल्लाह। ये मजीद तुम्हारे लिए है नासिर भाई तुम्हारे लिए लूट नहीं है। चेहरे पे हो तहरीर तेरे दिल की हिकायत बाहर का जो चेहरा है वो अंदर की तरह। बहुत बहुत अच्छा चेहरे पे हो तहरीर तेरे दिल की हिकायत बाहर का जो चेहरा है वो अंदर की तरह। वाह वाह चेहरे पे हो तहरीर तेरे दिल की हिकायत बाहर का जो चेहरा है चेहरे पे हो तहरीर तेरे दिल की हिकायत बाहर का जो चेहरा है वो अंदर की तरह हो। अरे गजल की तरह शार देखे कि कब कब वफाओ जफा के होते हैं। बहुत अच्छी गजल है। कब वफाओ जफा के होते हैं कुछ तकाजे कजा के होते हैं कुछ तकाजे कजा के होते हैं सिर्फ एक दिल के टूट जाने से सिर्फ एक दिल के टूट जाने से जाने कितने छनाके होते हैं। सिर्फ एक दिल के टूट जाने सिर्फ एक दिल के टूट जाने से जाने कितने छनाके होते हैं। आप दिल में यूं आ गए कैसे कैसे आप दिल में यूं आ गए कैसे घर में दाखिल पता ना हो गए। आप दिल में यूं आ गए कैसे घर में दाखिल बता के होते हैं हो गए जिस तरह से हम उसके हो गए जिस तरह से हम उसके इस तरह का खुदा के होते हैं हो गए जिस तरह से हम उसके इस तरह का खुदा के होते हैं। और शक मेरा आसमां पे जाता है भाई बहुत अच्छा शेर है। शक मेरा आसमां पे आसमां पे जाता है जब जमीन पर धमाके होते हैं। शक मेरा आसमां पे जाता है जब जमीन पर धमाके होते हैं। शायरी चाहे यार मौसी की शायरी चाहे यार मौसी की इस प्यारे बका के होते हैं
इश्तेहारे बका के होते हैं। और एक बहुत समझदारी के शेर समझिएगा, एक ऐसा शजर है जन्नत में, एक ऐसा शजर है जन्नत में, एक ऐसा शजर है जन्नत में जिसके मेवे खता के होते हैं। और कुछ सुखनवर खुशी से दीवाने, कुछ सुखनवर खुशी से दीवाने शाम हिजरत सुना के होते हैं, कुछ सुखनवर खुशी से दीवाने शाम हिजरत सुना के होते हैं। अहले दिल ही ये जानते हैं वकार, अहले दिल ही ये जानते हैं वकार, दिल के दौरे बला के होते हैं, दिल के दौरे बला के होते हैं। आप अहले दिल ही ये जानते हैं वकार, दिल के दौरे बला के होते हैं। बड़ी नवाजिश हाजरीन महफिल, बहुत खूबसूरत समातें मुयसर आईं। और मैं बहुत शुक्रगुजार भी हूं आप तमाम हाजरीन का, तमाम बाज़ौक समातों का, और खुसूसन इंजीनियर साबिर हुसैन कायम खानी साहब का कि वो बज़्म में तशरीफ लाए। और बहुत ज़ोरदार तालियां हम्माद रिजवान की पूरी टीम के लिए, और राबता कमेटी से कराची से जो हमारे मेहमान तशरीफ लाए, मरकजी अराकीन तशरीफ लाए, उनकी आमद का बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत महफिल पे बहुत खूबसूरत सामईन का बहुत शुक्रिया। आप अपने लिए बहुत जोरदार तालियां बजाएं और दुआ करें कि इसी तरह की ये महाफिल पीएमएसओ मुनक्कद करवाती रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।